फायजा, फायजा, जी अम्मी जाग रही हूँ। लो बेटा ये सो गया है, बल्कि ऐसा करो कि जल्दी से उठ के तैयार हो जाओ, रिफत आपा आ रही हैं, और मैं जरा जाके इंतजामात देख लूँ, ठीक है? और बेटा खुद भी बच्चा संभालना सीख लो अब, क्योंकि मैं वहाँ पर नहीं आऊंगी। अम्मी अभी तो आप यहाँ पर है ना, अभी तो पकड़ ले, मैं तैयार कैसे आऊंगी? क्या होगा तुम्हारा बेटा। अच्छा एक बात और मेरी सुन लो, जब रिफत आपा बच्चे को देख के कुछ भी उल्टा सीधा कहेंगी ना, जैसे कि गोरा है, काला है, नाक मोटी है या चपटी है, तुमने कुछ नहीं कहना, बस हंसकर टाल देना, क्योंकि देखो ये उनका भी तो पोता है ना। है? अम्मी मैं पहले भी उन्हें कोई जवाब नहीं देती, चुप ही तो रहती हूँ। हाँ हाँ बेटा ठीक है, लेकिन अब हमें रिफत आपा के ज्यादा नखरे उठाना पड़ेंगे, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि बस राबिया का रिश्ता किसी तरह भी वहां हो जाए, ताकि मेरी जिंदगी संवर जाए। ये राबिया पता नहीं कहाँ चली जाती है। ये लो देखो ये भी उठ गया है, पकड़ो इसे। अम्मी प्लीज थोड़ी देर तो पकड़ ले। क्यों भाई, मुझे और कोई काम नहीं है, मैंने खुद भी तो कुछ करना होता है, मैंने अपना हुलिया भी तो ठीक करना है ना। हैं? तुम जरा हुलिया देखो मेरा क्या हुआ है। पकड़ो इसे, जल्दी से तैयार हो जाओ, मैं जाके जरा राबिया की बच्ची को देखूं, पता नहीं कहाँ चली जाती है ये। हाँ तो और क्या, मैं चुपचाप सुनती रहती, जवाब देना तो बनता है, अगली बार देखना उसको मैं कैसे सबक सिखाती हूँ। वह जितनी बार भी तुम्हें समझाओ कोई फायदा नहीं है, सारा दिन इस मनहूस फोन के साथ चिपकी रहती हो, और तुम अभी तक तैयार क्यों नहीं हुई है? ये क्या, तुम्हें पता है ना कि रिफत आपा को ये गोला गंडा बनी लड़कियां बिल्कुल पसंद नहीं है। तो मैं ऐसे ही कपड़े पहनती हूँ और मुझे ऐसे ही कपड़े पसंद है, उमानी को क्या पसंद है क्या नहीं पसंद उससे मुझे क्या। या अल्लाह तुम दोनों बहनें क्यों मेरी बेइज्जती करवाने पे तुली हुई हो। बेटा वो रिफत आपा हैं, सिर्फ मेरी भाभी नहीं उसके समधन भी हैं, पर वैसे भी खानदान में सबसे बड़ी हैं, सब उनकी इज्जत करते हैं, और बेटा जिसकी इज्जत करे ना उसकी पसंद ना पसंद का ख्याल रखा जाता है, समझी तुम। अम्मी मैं क्यों रखूं ख्याल, वो फायजा की सास है, मेरी थोड़ी कि मैं उनके मुताबिक चलूं, और मसला तो तब होगा ना जब वो मुझे देखेंगी, मैं उनके सामने आऊंगी नहीं। क्यों नहीं सामने आओगी तुम, बात को समझती क्यों नहीं हो? अरे पागल मैं तुम्हें भी उनकी बहू बनाना चाहती हूँ। ये तो आपका ख्वाब ही रह जाएगा। खबरदार जो रिफत आपा के सामने इस तरह जबान चलाई तो कैंची से काट दूंगी मैं, समझी तुम। चलो तैयार हो जाओ। मैं नहीं हो रही तैयार। अस्सलामुअलैकुम रिफत आपा। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो? आपकी दुआ है, आप कैसी हैं? अल्लाह का एहसान। इफ्तिखार भाई आप बहुत दूर खड़े, क्या बात है? हाँ नहीं मैं आ रहा था। वालेकुम अस्सलाम। राशिद भाई नहीं आए? आने वाले थे मगर आखिरी लम्हे में कोई अचानक मीटिंग आ गई, माजरत करें। नहीं नहीं ऐसी माजरत की कौन सी बात है, वो हमसे बड़े हैं और कामकाज में तो ऐसी बातों का ख्याल रखना ही पड़ता है, आप आ गई हैं तो इससे बढ़कर और क्या हो सकता है। वो अरहम नहीं आया? अरे अरहम की क्या बात करती हो, बहुत कायदे का इंसान है वो, मैंने तो उसे अच्छी तरह समझा दिया है।
कि असलम की तरह अपनी पढ़ाई ना छोड़ दे बीच में। खामखा घर से कॉलेज के लिए निकलता था और रिश्तेदारों के यहाँ वहाँ वक्त ज़ाया करता था। मैंने समझा दिया और हमको बिल्कुल ये हरकत नहीं करनी और आराम से बैठकर तमीज़ से तहजीब से पढ़ना है। और शुक्र है अल्लाह का उसे समझ ली मेरी बात, बहुत तमीज़ से वो घर में बैठकर पढ़ाई मुकम्मल कर। अच्छा हम लोग यहाँ क्यों खड़े हुए हैं, चल के अंदर बैठते हैं ना। आइए आइए चलिए। लो आ गई तुम्हारी सास। कितनी बार तुम्हें मना किया है कि तू तलाक वाली लैंग्वेज मत इस्तेमाल किया करो। अब मैं तुम्हारी सास की वजह से आप जनाब करके बात नहीं कर सकती, सही है? मत इस्तेमाल किया करो ये लफ्ज सास का, तुम्हें अच्छी तरह से पता है ना क्यों नहीं लफ्ज कितना बुरा लगता है। तुम मुमानी कह दिया करो, ठीक? ये ना करो बुरा लगता है, वो ना करो बुरा लगता है, उनको हम इतने बुरे लगते हैं तो घर पे बैठे। अस्सलाम वालेकुम मुमानी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, जीती रहो। कितना प्यारा लग रहा है मेरा पोता माशाल्लाह। जी ये वही सूट है ना जो मैंने इसकी पैदाइश पर लेकर दिया था? जी मुमानी वही है। मेरे बेटे, मेरे प्यारे बच्चे, अरे तुम दादू को फोन कर देते ना, दादू नए कपड़े लेकर आते, माँ ने तो पुराने ही पहना दिए। और तुम बताओ तुम्हारी पढ़ाई कैसे चल रही है? आला, मेरा मतलब निहायत बेहतरीन। घर में अम्मी का हाथ बटाती हो? जी जी, मेरे जाने के बाद सारा घर का काम यही तो संभालती है। हाँ भाई ये तो बहुत अच्छी बात है, शादी होने तक लड़की को घर का सारा काम काज आना चाहिए। मैं तो सना को भी ये समझाती हूँ भाई, ससुराल वालों को कभी कोई शिकायत का मौका नहीं देना चाहिए। आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रही हैं मुमानी जान। फायजा? जी मुमानी। तुमने तो भाई सब कुछ शादी के बाद ही सीखा। जी मुमानी। मुमानी अगर आपकी इजाजत हो तो मैं अम्मी को जाके किचन में हेल्प कर दूं। हाँ हाँ जाओ, शाबाश। क्या बात है, ये राबे कुछ परेशान लग रही थी मेरे आने की वजह से? नहीं मुमानी, ऐसी तो कोई बात नहीं है। खैर हो भी सकता है। मैंने कभी कॉलेज में भी इतनी तमीज से बात नहीं की जितनी मुमानी के सामने करनी पड़ती है। मेरे टीचर सुन ले तो बेहोश हो जाए। आहिस्ता बात करो, लाउंज में असलम बैठा हुआ है, सुन लेगा तुम्हें। तो क्या करूं, जाके उनको वेलकम करूं? तुम तो अपना मुंह बंद ही रखो तो बेहतर होगा। तुम रहने दो। वाह इस लड़की ने तो मेरी लुटिया डिबोकर रख दी है, कोई काम ढंग से नहीं आता, कुछ मनाहिल से ही सीख लो। देखा उसे चुटकी बजाते ही सारे काम हो जाते हैं उसके, उससे आधी नफासत भी होती ना तुम्हें, तो मुझे ये पापड़ ना बेलने पड़ते। मुझे पता था आप मनाहिल का ही जिक्र करेंगी, खुद ही करें काम। अम्मी आ जाए, खाना बन गया। ईशन तुम भी आ जाओ। हाँ मैं आ रही। रे माशाल्लाह माशाल्लाह, कॉलेज से आकर तुमने इतनी जल्दी खाना भी बना लिया बेटा। अम्मी दाल बनाने में वक्त ही कितना लगता है। बेटा थोड़ी देर आराम भी कर लिया करो, सुबह से कॉलेज जाती हो फिर आके घर के कामों में लग जाती हो, उस तरह तो थक जाओगी ना। अम्मी घर के काम करने में ही सुकून मिलता है। फिर भी सारा दिन काम में लगी रहती हो, आराम कर लिया करो। आप भी तो सारा दिन काम करती रहती हैं, अगर थोड़ा सा काम मैंने कर लिया तो क्या होगा? बड़ी किस्मत वाला होगा वो घर जहाँ तुम भी आके जाओगी। अम्मी जी रिफत आपा का ही घर होगा और कहाँ। तुमने तो बेटा मेरे मुंह की बात छीन ली। मैं तो हमेशा से ऐसी ख्वाहिश में हूँ,
कि रफत आप अपने मुंह से खुद आराम के लिए मनाल का रिश्ता मांग लीजिए। चलो पहले तुम खाओ, सुबह से भूखी गई थी, तो शुरू करो। क्या बात है आलिया, बहुत पूछती है तुम्हारा। पता नहीं, पुप्पो है मेरी, पूछ सकती है। खैर पुप्पो तो वो और साम और सना की भी है, उनका तो नहीं पूछती। अब क्या कह सकते। वैसे मैंने देखा कि तुम काफी जाते हो, क्या जरा कम आना जाना रखा को। जी अम्मी, जैसा आप कहें। मेरा टेस्ट है, उसकी तैयारी करनी है, मैं जाऊं? ठीक है, जाओ। आलिया समझ रही है कि वो ज्यादा जहेज देकर असलम की तरह इसको भी फंसा लेगी। मैं ये रिश्ता कभी नहीं होने दूंगी, कभी नहीं। ओहो भाई, एक तो ये चश्मा जो है ये मुझे ठीक कराना पड़ेगा। हाँ, काम वाम खत्म हो गया घर के? हो गए खत्म। देखा था रिफत आपका काम नहीं, किस तरह उन्होंने अरहाम की बात ही डाल दी थी। भाई तुम्हारी जानती तो, उनके सामने किसी को बोलने की हिम्मत है? मैं बोलने की नौबत ही नहीं आने दूंगी, जितना डालना है ना डाल ले, मैं भी पीछा छोड़ने वाली नहीं हूँ। एक तो वैसे ही असलम जैसा निकट्टू दामाद हमारे पल्ले बांध दिया, वो तो इतना कुछ जेब में दिया तब जाके बेटी की जरा सी कदर हुई उस घर में, और अब समझदार बेटे की बारी आई है तो बात ही नहीं करने दे रही। तो तुम राशिद भाई से क्यों नहीं बात करती हो? क्या करते हैं आप जानते तुम्हें कि हमारे यहाँ बुरा समझा जाता है कि बेटी के घर वाले खुद जाके अपनी बेटियों के रिश्ते दें, और राशिद भाई वो कुछ नहीं कर सकते जब तक रिफत आपा ना माने। तो छोड़ो, हमें लड़कों की कमी है, किसी और से रिश्ता कर लेंगे। जी नहीं, रिश्ता होगा तो वही होगा, मैं भी पीछा नहीं छोड़ने वाली। वाह रे जिद्दी खातून, वाह। चाय पियो। आलिया पूछ रही थी आपका। क्या कहता हूँ? बस मैंने कह दिया आप आना चाह रहे थे लेकिन मीटिंग थी इसलिए मसरूफ थे। अच्छा किया। मैं जानती थी कि वो राबिया और अरहाम के रिश्ते की बात करेगी, इसीलिए मैंने आपको जाने से मना किया। तो फिर की बात उस? साफ बात तो नहीं की, लेकिन अरहाम का बार बार पूछना और फिर राबिया की घरदारी की तारीफें करते जाना, इससे तो यही लग रहा था कि इरादे क्या है। मेरे ख्याल में रिफत हमें उन्हें साफ साफ बता देना चाहिए कि हम एक ही घर में दो रिश्ते नहीं करना चाहते। कोई मुनासिब वक्त देखकर कर भी देंगे, लेकिन अभी तो राबिया भी पढ़ी और अरहाम भी। देखिए मैं राबिया के खिलाफ नहीं हूँ, मुझे गलत मत समझिएगा, आपने देखा कि हमने फायजा से रिश्ता करके क्या फायदा उठाया। शादी से पहले उसकी कितनी तारीफें सुना करते थे और बाद में तो उसकी सुस्ती ही दूर नहीं होती। अब उसी घर से एक और बहू लाकर मैं मजीद मुश्किलात नहीं पाल सकती। हाँ तो मैंने तुम्हारे फैसले को कभी गलत तो नहीं कहा? मुझे याद है कि फायजा जब बच्चे की पैदाइश के लिए मैके गई थी तो आप बहुत फिक्रमंद हो गए थे, मगर मैंने उसको जान के भेजा था। मैं चाहती थी आलिया उसकी सुस्ती दूर करे, उसे घर के काम काज और जिम्मेदारियों के बारे में बताए, आखिर कल को उसे मेरी जगह लेनी है। लेकिन वो तो भाई छोटे बच्चे के साथ कोई काम कह दो तो बुरा मान जाती है। हाँ तो मैंने तुम्हारे इस फैसले की मुखालफत तो नहीं की, मुझे उम्मीद है कि अब फायजा अपनी जिम्मेदारी का मुजाहरा करे। अल्लाह करे ऐसा ही हो। अल्लाह अल्लाह जी, सो जाओ। असलम असलम प्लीज इसको थोड़ी देर संभाल लीजिए, मैं बहुत थक गई हूँ, मुझे सोना है। फायजा नींद तो मुझे भी आ रही। असलम पूरा दिन मैं इसके पीछे लगी रहती हूँ, हाँ, और ऊपर से इतने बड़े घर का सारा काम काज करना कोई आसान बात है? इतने बड़े घर का कामकाज करके वैसे ही एक औरत आधी हो जाती है, थोड़ा सा भी एहसास नहीं है आपको मेरा। ठीक है तुम सो जाओ। अच्छा सुने, इसकी फीडर वहां रखी है, अगर इसे भूख लगे ना तो पिला दीजिएगा।
ठीक है। और हाँ, अगर मुमानी जान आ जाए ना तो पहले मुझे उठाइएगा। तो फिक्र मत करो। ठीक है। ठीक। आपी, राम भाई आपको अच्छे लगते हैं ना? नहीं। झूठ मत बोलिए आपी, मैं सब समझती हूँ। तुम गलत समझ रही हो ईशा। आपी, कितना मजा आएगा ना अगर आपकी और राम भाई की शादी हो गई तो। मैं दूध पिलाई के 50,000 से कम नहीं लूंगी। ईशल वो लोग बहुत अमीर हैं। हाँ, दोहरी रिश्तेदारी है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मेरा रिश्ता वहाँ होगा। अमीर है तो क्या हुआ आपी, और वैसे भी रिश्ते तो आसमानों पर बनते हैं ना, और वो लोग शुरू से तो अमीर नहीं थे। मुझे पूरी उम्मीद है आपी कि आपकी शादी राम भाई से होगी, और मुझे ऐसी उम्मीदें रखने का कोई शौक नहीं जिनके पूरा होने की कोई उम्मीद नहीं। लेकिन आपी, बस सब लाइट बंद करो, बहुत लेट हो गया, और सो, लेटो। ठीक है। राम का मैसेज? हाँ बोलो। तुम सो तो नहीं रही थी ना? सो रही होती तो मैसेज कैसे करती इडियट। ओह सॉरी, माय बैड। कोई काम है क्या? नहीं। तो फिर इतनी रात में क्यों कॉल की है? काफी दिन हो गए ना तुमसे मिले हुए, तुम्हारी याद आ रही थी तो सोचे तुमसे बात ही कर लूं। हाँ तो घर आ जाते, मुमानी और असलम भाई तो आए थे। अरे नहीं नहीं, अम्मी के सामने नहीं। क्या है ना, अम्मी के सामने अच्छा नहीं लगता। क्यों, तुम्हारी अम्मी डांटती हैं क्या? नहीं नहीं, डांटती तो नहीं है। तुम तो जानती हो कि वो कितनी स्ट्रिक्ट है, तो उनके सामने जरा ख्याल करना पड़ता है। साफ साफ बोलो, अम्मी से डर लगता है? मैडम, मुझे अम्मी से डर नहीं लगता। मुमानी के घर? नहीं भाई, इससे अच्छा आप मुझे जेल भेज दे। एक तो वैसे ही उनके सामने तमीजदार बनने की एक्टिंग करनी पड़ती है, मेरा दम घुटता है वहाँ पे। अम्मी, बेटा क्यों जबान चला रही हो? तुम्हें आखिर एक दिन उन्हीं के घर जाना है, इसलिए अभी से आदत डालो बस। किससे पूछकर बुलाया तुमने राबिया को? वो मैं, कोई जरूरत नहीं राबिया को बुलाने की, अभी के अभी उसे फौरन फोन करके मना करो। जब